आदरणीय मामा जी, मैं नेहा राठौर कक्षा 12वीं वाणिज्य कला की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक कुशल प्रशासकीय अधिकारी बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। कुशल प्रशासक के लिए एक श्लोक बताता हूँ तुमको। किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है, कुशल होना है, न केवल प्रशासक के लिए बल्कि जनप्रतिनिधि और नेता के लिए भी, या किसी भी क्षेत्र में मंत्री के लिए, विधायक के लिए भी। एक श्लोक है, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अच्छा कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता कौन? तो उन्होंने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब जो निष्पक्ष रूप से सोचे, कोई मेरा प्रिय है तो उसका पक्ष ले लूंगा, कोई मुझे उतना प्रिय नहीं है तो उसके खिलाफ कुछ कर दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब जिसको घमंड ना हो, अहंकार ना हो दूसरी की। मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब धैर्य। प्रशासक में धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिस्थिति कठिन आती, उन कठिन परिस्थितियों में अगर हमने धैर्य खो दिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना। और चौथा है उत्साह। उत्साह से भरा रहे, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम होता है क्या? बताओ, होता है क्या? नहीं, नहीं होता। तो अंदर उत्साह भरा रहना चाहिए कि नहीं करूंगा, करके रहूंगा, और काम में सफलता मिले और चाहे असफलता मिले तो अभी निराश ना हो। और अंतिम गुण है संवेदनशीलता, मतलब दिल में संवेदना चाहिए। दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों की सेवा करके सुखी हो, जिसमें ये गुण होते हैं वो कुशल प्रशासक होते हैं। धन्यवाद मामा जी।